हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड डिफेंस एग्जाम। फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मिर्ज़ा एहतिशाम बेग आज आपके साथ मैथ्स की स्ट्रैटेजी और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बातें करूंगा। देखिए, जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैनल बनाने का उद्देश्य हमारा यही है आपका कि आप जल्द से जल्द रिकवर कर सकें, इस कोविड के पैंडमिक के सिचुएशन से बाहर आ सकें जल्द से जल्द। तो वी विल प्रोवाइड यू अ क्वालिटी कंटेंट, ओके। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की, और आपको पता है इंट्रोडक्शन में आपके डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। आपका सबसे जो इम्पॉर्टेंट है NDA जो आने ही वाला है, CDS आपका, AFCAT इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस फोर्सेस एंड इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप। देखिए, इसमें मैथ्स का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैथ्स का जो रोल है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ लीजिए। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से समझना है कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। हाल ही में जो अभी नोटिफिकेशन आया है वो आपका किसका है, AFCAT आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका NDA का भी नोटिफिकेशन साथ में चल रहा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि NDA 1 और NDA 2 साथ में होगा। तो बस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो आपके ये एग्ज़ाम्स हैं इनको अगर आपको क्लियर करना है तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ उतरना पड़ेगा मैदान में, और यहाँ पर हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं। देखिए, आप में और हम में फ़र्क इतना है कि हम आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में बताएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारी बहुत सारी प्लानिंग है टेस्ट सीरीज लॉन्च करने की भी, सो गाइज जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ताकि हम आपके करियर को शेप कर सके, ओके। तो ये आपके सामने जो टाइप्स एंड डिफेंस एग्जाम्स के, ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है, तो यहां पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि AFCAT का नोटिफिकेशन लेटेस्ट है। अब यहां पे समझिए, देखिए AFCAT की आपकी जो डेट्स हैं वो क्या है। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जून से 14 जुलाई तक है। तो गाइस, छोड़िए मत कोई भी एग्जाम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहां पे आपको लिखा हुआ भी है सब कुछ, और यहां पर दे रखा है उसने कि AFCAT एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन सेप्टेम्बर, यानी सितंबर की उन्होंने डेट दे रखी है, और कौन से सितंबर, 19 और 20 सितंबर। तो ये बात ध्यान में रखिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, हमें ऑर्गेनाइज वे में करना है, और मैं अभी आपको आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमारी क्लासेस रहेंगी, किस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करेंगे चीजें, ये सारी चीजें रहेंगी। बस बने रहिए मेरे साथ, और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डिफेंस क्लियर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहां पे एक चीज समझिएगा कि ऑनलाइन जो आपके जो हैं सारे फॉर्म होंगे, ओके, और टारगेट आपका क्या है, सितंबर। बस ये बात ध्यान रख लो कि सितंबर इज द टारगेट। क्यों सितंबर टारगेट है, अभी आगे पता चलेगा। चलिए देखिए, अब यहां पर अपकमिंग एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो अपकमिंग एग्जामिनेशन आपका कौन है, NDA आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है। देखिए, यहां पे उसने लिखा हुआ भी है कि विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन अप्रैल, यानी अप्रैल 19 अप्रैल को हेल्ड होना था, कौन सा, NDA 1। तो यहां पर दिक्कत हो गई, NDA 1 अप्रैल में हो नहीं पाया, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक आउटब्रेक। यहां पर गाइस देखिए, हो सकता है ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो, पर यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि अगर हमें मौका मिल रहा है किसी चीज का तो हम यहां पर उस चीज को भुना सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। इस वक्त क्या हो रहा है, ये आपको एक तरीके का पॉज मिला है, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझ नहीं रहे और उस समय को वो गलत ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, जबकि हमें इस समय को सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि NDA 1 और NDA 2 एक साथ होने जा रहा है, ये बात ध्यान रखिए। देखिए, कैंडिडेट्स ऑफ NDA 1 हु इंटेंड टू अप्लाई फॉर NDA 2 एग्जामिनेशन शुड नोट दैट देयर फोटोग्राफ सिग्नेचर चॉइस सेंटर एप्लीकेशन विल बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट सेंटर फ्यूचर, यानी अगर वो
टू के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनकी सारी जो उन्होंने एनडीए वन में अप्लाई किया है वो एनडीए टू में भी अप्लाई हो जाएंगी. एंड दे आर एडवाइज टू कैरी दिस आईडी व्हाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. और इस आईडी को आप लेके जा सकते हैं, तो यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है. ओके, दे शुड ऑल्सो नोट दैट इन वेरिएशन ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर. तो ये सारी आपकी जो है क्या है, गाइडलाइंस है. अब यहां पे दे रहा है कि सच कॉमन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर यूनिक आर आई डी. ओके ठीक है. उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि द यूनिक आर आई डी ऑफ एनडीटी वॉज प्रोवाइडेड ईच ऑफ देम आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, वो आपको एक आई डी देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप का होगा. द कैंडिडेट शुड नोट दैट नो एडिशन डिटेक्शन चार्जेस विल बी अलाउड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन. तो ये आपकी सारी क्या है, गाइडलाइंस है. तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, समझने की बात समझिए कि एनडीए वन और एनडीए टू एक साथ होने जा रहा है आपका. और यहां पर एग्जामिनेशन की डेट भी दे रखी है, किस डेट को, सितंबर 6. तो मैंने आपसे तभी अभी प्रीवियसली बोला था आपसे कि सितंबर को एकदम टारगेट कर लीजिए, और बहुत जल्दी हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं. तो यहां पर समझने की जरूरत है कि आपको एक तरीके से मौका भी है ये दोनों एग्जाम को एक साथ तैयारी करने का. ठीक है, ये पॉज आपके लिए क्या है, एक मौका है कि आप इसको कैसे भुना सकें. तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन की. अब एफकैट पैटर्न यहां पे समझिए. अगर हम यहां पे बात करें एफकैट का पैटर्न क्या है, तो यहां पे देखिए एफकैट का जो पैटर्न है वो 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के हैं, और ये आपके सब्जेक्ट हैं. ओके, ये बात ध्यान रखिएगा. सिमिलरली इंजीनियरिंग नॉलेज आपको चाहिए अगर, तो वो 45 मिनट, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 100. ठीक है, आपके जो स्ट्रीम है वो लिखी हुई मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने जो आपको एफकैट का पैटर्न डिजाइन करने में हेल्प कर रही है. आगे अब देखिए एनडीए का पैटर्न क्या है. एनडीए का पैटर्न, क्योंकि हम सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर रखेंगे, एनडीए के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे. तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि पेपर वन होगा जो आपका, वो मैथमेटिक्स का होगा, एंड दैट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम यहां पे अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की. यहां पे समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बताता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है. और अगर आपका ये पास नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि आपका गैट चेक नहीं होगा. देखिए यहां पे 120 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का समय है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 1/3 नेगेटिव मार्किंग है. तो अब ये चीज खेल हो गया. अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप ब्लफ मार सकते थे, आप वहां पे क्या कर सकते थे, खेल कर सकते थे. लेकिन यहां पर आपका खेल पॉसिबल नहीं है. उसका रीजन है क्योंकि अगर आपने एक गलती की तो आप ये चीज समझिए. देखिए आपको लग रहा है कि आप 0.83 समथिंग मार्क्स गवाएंगे, पर मेरे हिसाब से आप 0.83 नहीं, 2.5 प्लस 0.83 गवाएंगे. क्यों ऐसा, 2.5 प्लस क्यों, क्योंकि एक मार्क्स आपका ढाई, एक क्वेश्चन आपका ढाई मार्क्स का है. यहां पे समझिएगा, एक क्वेश्चन आपका ढाई मार्क्स का है. अब अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं, सपोज करिए एक क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आपके ढाई मार्क्स तो गए गए, प्लस पेनल्टी भी है. तो ये जो है ये आपकी पेनल्टी है 0.83, 1/3 करिएगा, 2.5 का 0.83 मिलेगा. ठीक है, तो यहां पर आपके लगभग जो नुकसान होगा 3 समथिंग का नुकसान होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा. तो एक क्वेश्चन पे 3-3.5 का आप नुकसान झेल नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिए. तो इस चीज को समझना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. देखिए अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा इसकी, कैसे रखनी है स्ट्रैटेजी. बस इतना याद रखिए कि इसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपको ये मान के चलिए 50+ क्वेश्चन हर हाल में जाने ही जाने, और बहुत ही आसान इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है. बट दिक्कत क्या होती है कि आप जस्ट 12 पास होते हैं या अपियरिंग होते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मे बी अगर क्लियर हो, जिसका क्लियर है वो निकाल लेता है, जिसका नहीं क्लियर है वो फंस जाता है. तो हमारा फोकस जो अभी स्टार्ट होगा वो एनडीए को लेकर होगा, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव आपका कौन है, एनडीए है, इस बात को ध्यान रखिए. अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपके सवाल आते हैं, क्योंकि आप ब्लाइंडली अगर जाएंगे तो वहां पे दिक्कत है. देखिए आप में और मुझ में, मैंने आपसे क्या बोला, फर्क इतना ही है कि मैं आपको ऑर्गेनाइज वे में चीजें बताऊंगा और आप उसे समझेंगे, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज वे में नहीं समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे.
strategy is the most important at the moment because we have very less time, very less time. We have a short of time at the moment. तो हम यहां पर आपको बहुत ही काम की चीजें बताएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। देखिए यहां पे वेटेज जो दिया हुआ है, सिलेबस आप समझिए 10+2 यानी 10, 11, 12 का आपका सिलेबस होता है। ओके, अब यहां पे समझिए कि वेटेज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेटेज अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको दिक्कत है, ठीक है। वेटेज अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको दिक्कत है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रूल वेटेज का ही। और अगर आप जरा गौर से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका अलजेब्रा है। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो आपको मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। खुद सोचिए, आप यहां पे 30 क्वेश्चन में मान के चलो 30 में से आप 25 तो करके ही आओगे, सही। क्यों? क्योंकि आपके जो आधे से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। बस आप होता क्या है, आपके साथ दिक्कत क्या होती है, मैं आपको जो बताऊं, आपके साथ दिक्कत ये होती है कि आप चीजों को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। जब कभी भी पढ़ाई कीजिए तो चीजों को हमेशा प्रॉपर वे में करिए, एक सीक्वेंस में पढ़िए, और स्टार्टिंग हमेशा उस सब्जेक्ट से करिए जो सबसे अच्छा लगता है, यानी जो सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट को आप लाइक करते हैं। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स बट दे सिक्योर लेस मार्क्स। व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, क्यों वो इतना कम मार्क्स को सिक्योर करते हैं, इस बात को समझिए। अब देखिए उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पे उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं आपके कौन कौन से, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे समझिएगा कि ये सारे जो हैं आपके, अगर आप खुद सोचिए 20 20 20, 60 60 और 25 कितना हो गया, 85 में से आप 60 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो, यू हैव अ क्लियर चांस, यू कैन गेट क्लियर, यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है। हाँ, अब ये बात आ रही है कि कुछ कौन से सेक्शन है जो आपके मतलब वीक पॉइंट हो सकते हैं, जो आपके वीक पॉइंट हो सकते हैं, मे बी आपका कैलकुलस हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रॉब्लम आ सकती है डिटर्मिनेंट में, तो लेकिन ऐसा कुछ ऐसा है नहीं इन सब में। लेकिन एक बात समझिए, ये पोर्शन सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं मैक्सिमम, तभी उनका स्कोर बढ़ता है, अदरवाइज उनका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है, अपनी स्ट्रैटेजी जब बनाइए तो बहुत ही आसान तरीके से बनाइए। हर एक सेगमेंट से सवाल आ रहे हैं, किसी को भी छोड़ना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। देखिए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी यहां पे 10 क्वेश्चन हैं, अगर 10 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मैंने एक ओवरऑल ओवरव्यू लिया हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि एग्जैक्टली एकदम इतने ही आ रहे हो, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से। तो यहां पे जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उसमें यही पाया है कि ये जो सेगमेंट वाइज आपके क्वेश्चन हैं उनको लेकर चलें तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिट वाइज चैप्टर क्लियर करते हैं, आपके लिए होता क्या है, आपके लिए बस पासिंग मार्क्स अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, पासिंग मार्क्स आप निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप देखते हो इस यूनिट से इतना आ रहा है, इस यूनिट से इतना आ रहा है, इस यूनिट से इतना आ रहा है, तीन यूनिट तैयार की, आपका क्लियर हो गया एग्जाम। हमें यहीं पे स्ट्रैटेजी बनानी है, क्यों, क्योंकि ये अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप गैट चेक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है। और ये सब्जेक्ट आपका मेक इट और ब्रेक इट वाला है, बहुत ही घातक सब्जेक्ट मैं इसको मानता हूं। क्यों? क्योंकि आइदर दिस सब्जेक्ट विल मेक यू और ब्रेक यू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, इसे लाइटली लेते हैं, और लाइटली लेने का मतलब है कि आप इसमें गंवा बैठेंगे। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मैंने इस बॉक्स में लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सेगमेंट्स कॉन्सेप्ट, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू ब्रेक इनटू एनडीए। ओके, तो यहां पे समझिएगा कि कॉन्सेप्ट आपका जो है वो एकदम तगड़ा होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेटेजी लैक कर रहे हैं, और आप दोहरे माइंडसेट के साथ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दोहरे माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, देखिए अगर आप जीएस वगैरह में जा रहे हैं या करंट अफेयर्स के आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आपका क्या है, आपको पता होगा या तो आपको आता है या नहीं आता है, पर इसमें उसमें आप फ्लूक मार सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आप फ्लूक कैसे मारोगे जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आप क्या है, आप किस हिसाब से मारोगे, भाई इसमें होगा पाई माइनस पाई और समथिंग इस तरीके से कुछ दिया होगा, आप क्या करोगे भाई, आप जरा सा भी इधर से उधर हुए कॉन्सेप्ट में तो आप पाई की जगह माइनस पाई लगाओगे, जबकि आंसर पाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा जो कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं। ओके, अब यहां पर मेन मुद्दा क्या है, देखिए
क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एक और रीजन है, स्कोरिंग, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका ये, और इससे कैसे आप निकलेंगे ये भी समझिए। देखिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाउ टू स्किप अ क्वेश्चन। अगर आप ये चीज सीख गए स्किप करना क्वेश्चन को, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपके 120 क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आप 120 करें, पर यह भी जरूरी नहीं कि आप 10 करें, ठीक है। आप 10 करोगे तो भी गड़बड़ है भाई, 120 अटेम्प्ट करने जाओगे तब भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है आप गड़बड़ करोगे, एंड यू विल गेट स्टक इन अ लेंथी क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन में आप जब कभी फंसते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप वहां पे क्या करने लग जाते हो, पैनिक, और जब आप पैनिक करते हो फिर उसके बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड में समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड, आगे नहीं बढ़े तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। तो दो पॉइंट आप मेरे बहुत ध्यान से रखिएगा कि सेगमेंट वाइज आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अभी भी समय है, ठीक है, और हम बहुत जल्दी उसके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। अभी इसके बाद की जो क्लास होगी मेरी, उसमें आपका सेगमेंट वाइज चैप्टर शुरू होंगे, और जैसा मैंने आपसे बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका कौन सा, अलजेब्रिक सेगमेंट है, सो विल प्रोवाइड यू अलजेब्रा सेगमेंट क्वेश्चंस। घबराइए मत, बायलिंगुअल होंगे, दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। हाँ, अब ये चीज है। हाँ, दूसरा क्या है, स्किप यानी डॉज, डॉज करिए। जैसे भाई बाउंसर आती है आप क्या करते हैं, डॉज करते हैं। तो वही काम करना है कि अगर आपके सामने कोई टिपिकल डिलीवरी आ रही है तो उसको डॉज करिए एंड मूव अहेड, क्योंकि 120 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, क्यों उसमें उलझ रहे हो। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला, अब देखिए मैं आपको जो बता दूं, कट ऑफ आपकी क्या रह रही है, कट ऑफ मैंने जो प्रीवियस ईयर की ली है उसे मैं बता दे रहा हूं। देखिए अगर आप कट ऑफ देखें तो 350 के आसपास जा रही है, और इस साल दोनों एग्जाम एक साथ होंगे तो मान के चलो 350 के आसपास होगी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। फाइनल कट ऑफ आपकी ये 1800 पे है। ओके, अच्छा, ये 900 का मतलब क्या है भाई, 900 का मतलब है आपके 300 ये और 600 गैट और इंग्लिश मिला के। 2018 की भी देखिए जो NDA 1 हुआ है उसमें कट ऑफ लगभग मेंटेन है प्रीवियस 3 ईयर की, क्या 350 के आसपास है, बिलो 350 है, ठीक है, बिलो साढ़े तीन सौ है। और NDA 2 का जो रहता है आपका वो क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके निकल जाते हैं तो फिर कट ऑफ क्या हो जाती, लो हो जाती है कहीं ना कहीं। तो यहां पे समझने की जरूरत है कि अभी यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहां पे दोनों ही स्टूडेंट्स फाइट करेंगे, जो तो इसका मतलब आपकी कट ऑफ जो रहने वाली है वो 1 के अकॉर्डिंग रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखिए। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका कौन है, मैथमेटिक्स, जिसको आपको लेकर चलना है, जिसने जितना ज्यादा स्कोर इसमें कर लिया उतना बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि ये बात समझिए आपका कट ऑफ डिपेंड कर रहा है इसी के ऊपर, ये स्कोरिंग है, ये चीज समझिए, आइदर दिस सब्जेक्ट विल मेक यू और ब्रेक यू। तो स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी यहां पे समझिएगा, आपके सामने टारगेट क्या है, सितंबर, आई होप सितंबर में आपका एग्जाम होगा, जैसा कि आपको डेट बताई गई है, और एफ कैट का भी एग्जाम है, तो वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी क्लासेस ऑन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, यहां पर समझिएगा कि ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई एक स्ट्रेटेजी के तहत ही बताई हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको अपने टाइम टेबल के हिसाब से एक्लिमेटाइज करना है। वी विल प्रोवाइड यू रेगुलर क्लासेस ओवर द पीरियड टिल योर एग्जामिनेशन कम्स, ठीक है। इफ द एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और गाइज दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको रेगुलर वीडियोस सारी चीजें आपको यहां पर मिलती रहें। ओके, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेस द बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, घंटी बजा के घंटा बजा देना। क्यों, क्योंकि अब की बार हमें, देख रहे हो ना, तैयार हो जाओ, भर्ती होना है कि नहीं भर्ती होना है, बहुत सही, बस यही चीज समझने की जरूरत है आपको कि इस बार एक जज्बे के साथ उतरिए और शामिल हो जाइए।
ठीक है, तो यहां पे समझने की जरूरत है कि हमने जो ये YouTube चैनल जो आपके लिए बनाया वो आपके ही बेनिफिट के लिए बनाया और रेगुलर क्लासेस आपको यहां पर प्रोवाइड होंगी। सो टिल देन गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक के साथ।